हेलो फ्रेंड्स, रुचि झा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश मालपुआ। मालपुआ को बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आज मैं अपने तरीके से आप लोगों के लिए मालपुए की रेसिपी लाई हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने खोआ और छेने का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट मालपुए बनते हैं और यह मालपुआ बनाने का एक पारंपरिक तरीका है। तो मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक बैटर तैयार करेंगे। मालपुआ बनाने के लिए मैंने 75 ग्राम के लगभग छेना, 100 ग्राम के लगभग मावा और 100 ग्राम के ही लगभग मैदे का इस्तेमाल किया है। तो इसे हम लोग एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हम चलाकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। मालपुए का बैटर बनाने में थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालेंगे। यहाँ मालपुए का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है और हमने एक लम्स फ्री एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। बैटर को एक साइड में रखेंगे और हम लोग इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम के लगभग चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे हम लोग एक कढ़ाई में डालेंगे। इसमें डाल देंगे 1 कप के लगभग पानी। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे चीनी के घुलने तक पकाएंगे। हम लोगों को एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हम लोगों को बस थोड़ी सी गाढ़ी और चिपचिपी चाशनी बनानी है। यहाँ पर ये चीनी बहुत अच्छे से घुल गई है। चाशनी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये चाशनी गाढ़ी हो गई है और ये चिपचिपी भी लग रही है। तब हम लोग इसमें डाल देंगे 2 कूटी हुई इलायची और थोड़े से केसर के धागे। केसर का धागा डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाले, नहीं तो नहीं डाले। अब हम लोग गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाशनी को एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ मालपुए तलने के लिए हम लोग एक फ्राइंग पैन को चढ़ाएंगे। मालपुए तलने के लिए इस टाइप की एक चौड़ी कढ़ाई को या फ्राइंग पैन को गैस पर चढ़ाएंगे, जिसकी गहराई कम हो। और इसमें हम लोग घी डालेंगे। वैसे तो मालपुआ किसी भी घी में तला जा सकता है, लेकिन देसी घी में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो आज हम लोग देसी घी में मालपुए फ्राई करेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ये घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम लोग मालपुए तलेंगे। तो इसके लिए हम लोग 1 चम्मच भर के घोल इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को तेज पे रखेंगे। एक बार में 2 से 3 मालपुए तला जाते हैं, तो हम इसमें एक चम्मच घोल और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे फ्राइंग पैन में 4 मालपुए एक बार में आराम से आ गए हैं, तो मैंने इसमें 4 मालपुए डाले हैं। अब हम मालपुए को पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितने पतले पतले और बहुत ही अच्छे मालपुए तला रहे हैं। इसे बाहर निकाल लेंगे और इस प्रकार से इसे हम दबा देंगे। ऐसा करने से जो मालपुए का एक्स्ट्रा घी होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब तले हुए मालपुए को ये हल्की गर्म चाशनी में डालेंगे। 1-2 मिनट के लिए चाशनी में रहने देंगे, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम सभी मालपुए तल के तैयार कर लेंगे और चाशनी में डुबाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट, रसीले और सॉफ्ट मालपुए बनकर बिल्कुल तैयार है। चाहे तो इसे थोड़े से कटे हुए बादाम से गार्निश करें और इसे सर्व करें। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को मालपुए का भोग अति प्रिय है, तो इस बार नवरात्रि के मौके पर महाअष्टमी और महानवमी के दिन माता रानी को इस मालपुए का भोग जरूर लगाएं। ये था मालपुआ बनाने का मेरा तरीका। अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।